हेलो। तो आज बोकारो जिला अंतर्गत नवाडी प्रखंड के विनोद बिहारी महतो स्टेडियम के इस पावन धरती में झारखंड के महान संस्कृति के महान पर्व हमनी के गर्व टुसु पर्व के अवसर में जितना जान जुटले हा और जे जे हमर से बोले लगा अखनी सोभिन के एक संगे गोर लगाई हो कहे कि एक एक करके यदि गोर लगे ले जाबो तो दो तीन दिन पार भाई तो हमें घर जाना पड़ेगा। तो सोभिन के एक संगे गोर लगाई हो और जे जे हमर से छोटे लगा अपने के हमें आशीष दे। तो देखा टुसु पर्व न कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है कोई है मुसलमान, लेकिन सभी की जान की हिफाजत करता है धाम। तो सभी जाना है कि यहाँ कोई हिंदू धर्म के मानने वाला, कोई सरना मानने वाला, कोई इस्लाम के मानने वाला, कोई सिख धर्म के मानने वाला, कोई बौद्ध धर्म के मानने वाला है, लेकिन सब धर्म के जरूरत की लगे अनाज। अगर अनाज नहीं रहता है यानी साफ भाषा में धान अगर उत्पादन नहीं रहता है कोई इंसान जिंदा रहता है नहीं। हवा खाए के पानी पी के कितना दिन जिंदा रहते है, यानी वो हिंदू रहे या रहे मुसलमान सबकी जरूरत है धान। तो सटे लगो टुसु पर्व धान एक पर्व लगो अपन पर्व में गर्व करे सीखिया। पूरा दुनिया अगर जिंदा है तो अनाज के कारण जिंदा है और है अन्न के पर्व लगो टुसु। आज चूंकि जैसे जैसे समय ले बाहर के लोग भारी संख्या में हमने बीच में आके रह लगे, चाहे बोकारो रहे धनबाद रहे, तब जब बाहर के लोग हमने बीच में आके रह लगले तो अखनी भाषा परंपरा संस्कृति से हमने के मेल भेलाय और धीरे धीरे हमने कर आदिकाल से हजारों साल से जिस परंपरा के हमने लय के चल हलिए उगला के धीरे धीरे हमने भूले लगलिए। आज ओकरे परिणाम चंद्रपुरा रहे, दुगदा रहे, बेनमो रहे, पुसरो रहे, कठारा रहे, गुमिया रहे, धीरे धीरे हमने विलुप्त भई गए, यानी सब गांव खेत खलिहान जो हमने के पूर्वज के लगल हमने धीरे धीरे अपन चेतना कम करके अपन जागृति के कम करके हमने धीरे धीरे समाप्त कर दिए। कहल गया है कोई भी इंसान जो रहे ओकर जीवन में भाषा संस्कृति के बहुत महत्व रहे, क्योंकि हमने करे भाषा में वो कहावत है कि जे मानुष एक भाषा हराए से मानुष एक दिशा हराए। तो हमने सुनल है भाई मुसी गिला तो नहीं कि जे मानुष एक भाषा हराए से मानुष एक दिशा हराए। एक हमें छोटा सा उदाहरण दे के बुझा दे कि काहे आज जरूरी लगे कि हमने अपन संस्कृति के स्थापित करना, काहे जरूरी लगे कि अपन मातृभाषा में गर्व करना। जैसे मान के चल कहावत है कि जे मानुष एक भाषा हराए से मानुष एक दिशा हराए। अभी बहुत सारा ब्याह शादी के दिन आवा है तो एगो चौक पूरे के टाइम आवे। अच्छा एक बात कहा कि चौक पूरे का अधिकार ककर लगे के लगे, लेकिन आज के जो नया पीढ़ी जगह हमने न्यू जनरेशन कहा यानी साफ भाषा में इंस्टाग्राम बाला और बाली गिला नया जनरेशन, तो अपने फुफो के की बोला आंटी मैया के छोड़ के बाकी जितना होगा आंटी बोलो। हमारे बात के थोड़ा गंभीरता पूर्वक सुनिया। अब मान के चल चौक पूरे के समय आ गया है और कोई घर के बड़ा आदमी चाहे महिला घर के छोटा बच्चा को बात करते कि बाबू जो फुफो के टाइप के ले आ तो फुफो ना समझो कि समझो आंटी अंग्रेजी समझो भाषा में फेर बदल भ गलो। क्योंकि आंटी के मने काकी भी भेवो हो, मामी भी भेवो हो, मौसियो भेवो और फुफियो भेवो हो। अब चूंकि आंटी समझ के रख लो वो जाए के मामी के हाथ पकड़ के ले आन लो चौक पूरे घर में, तो तुम अपना चौक पूरे के इजाजत देवा मैं दे सकल है ना। वो घोरी के गलो घोरी के मौसी के ले आन लो कि मौसी चौक पूरे पड़ता है नहीं पड़ते ना, तब ओकरा समझाए के बुझाए के बोले हतो कि बाबू जब पर बप्पा के बहनिया लगो जकरा तो फुआ बोला है फुफू बोला है नाना बोला है तकरा टाइप किया। देखा फुफू में उतने शब्द रहो है और ओकरा अंग्रेजी में ए यू एन टी ओकरा में चार गो शब्द आवा है, लेकिन एक तरीके की भरल है
हमने एक रास्ता टे गोटे हराई गला तो सह खातिर का गला जे मानुष से भाषा हराए से मानुष से दिशा हराए। आज हमने दिशा लगभग लगभग बहुत बुरी तरह से हमने हराई गला तो सह खातिर जे 2 साल से देखा आज हमने के उम्मीद है कि अगर आर 5 साल पहराए जितला तो शायद नया जनरेशन में टूसू के बारे जानबो नहीं करते। सही बात लगे कि नहीं? अभी मान के चल जितना कोटी से भैया आए लो चल अच्छा बात है अपनी में उमंग है अपनी में खुशी है अपनी में हो भाई लेकिन करना नूनी साहब बेटी छुआ सब आए लो जो टूसू कर गीत जाना हतो जाना हतो तो अपनी बतवा जाना हतो तो बता हमने के परंपरा जो बाप दादा से आदि अनादि काल से चलते आ रहा है खत्म होते कि नहीं होते तो नहीं बताओ कौन से है सिंगल चंगो चंगो तने है ना कि पानी है ले पानी खेले पानी तोर क्या हो ना मने के भीतर भाभी देखी पानी ससुर खाता है तो एक और टुसु गीत क्या परम तो मिट्टी छवा गेले तो है तो अब चूंकि टुसु लगो धाने पर अब और हमने यहाँ जितना मोटा मोटी चसा करे लगा लगा कि नहीं यानी यदि हमने टुसु पर्व के नहीं मने भा तो जाहिर सी बात तो धान के प्रति मोह माया खत्म भजी तो यदि धान के प्रति हमने मोह माया खत्म भजी तो खेत के प्रति मोह माया खत्म भजी तो और जब हमने के खेत बारी झाड़ी के प्रति मोह माया खत्म भजी तो बताओ हमने भीख मांगा कि नहीं मांगा। हमारे बात के तनी ध्यान से सुना जिंदाबाद वादा करिया आज यदि हमने टुसु पर्व नहीं मनाए टुसु लगे धानक पर्व तो 8-10 साल बाद जो नया जनरेशन है वो धान के प्रति ओकर ममता खत्म भ जता है वो हमेशा बाजार से मतलब रखता है 8-10 साल बाद खेत बारी से ममता खत्म भ जता है जब खेत बारी धान दौरा जब सब सिराए जितो बताओ अपने की कर दो दादी साहब जितना तोनी चुईल पाकल पाकल दादी है एक बात बताओ जब तोर ससैया मोरे लागलो तो कम से कम तोरा 2 खसला गोबर दे दलो कि फल्ला खेत में छिटी है देलो कि नहीं? अरे कुछ नहीं देलो कम से कम तोरा 2 गो खेत दिखाए के गेलो कि फलना खेतो में इतना गोबरा लगते छिटिए बेस से धान में तो और घर परिवार चलतो बताओ तोहनी अपन पोतैया के कतना दे के जीवो। और एक बात सीधा जान ले चूंकि दुनिया में यहाँ जितना धन आयला किसी धर्म के माने और जीवन के एक उद्देश्य रहा है कि अपन जिंदगी में जितना ज्यादा है सकले पुण्य कमाए भाई हटे सभी की इच्छा रहे कि हमें अगर पुण्य कमाए भाई तो उटा हमार पति के लगते है हमार बेटवा के लगते है हमार घर गोष्ठी संपन्न बनते है यानी सभी चाहे कि हमें धर्म करबे पुण्य करबे लेकिन तोनी के मालूम हो दुनिया में सबसे ज्यादा धर्म और पुण्य के स्थान अगर कोई है ना तो किसान के खेत में वो है ककरो मंदिर में पुण्य के स्थान रहे ककरो मस्जिद में रहे ककरो चर्च में रहे ककरो गिरजा घर में रहे ककरो सरना स्थल में रहे लेकिन याद रखिए दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पुण्य कहीं से आवा है किसान का खेत से आवा है बताओ कैसे बुझाए भैया। अभी तो मोटा मोटी हमने मढ़ा मसला धान धोरा खत्म भाई गले ना मढ़ मस के सिधाए के खत्म भाई गले। अच्छा एक बात कहा जब पहली बार धान खेत में पाक के रेडी भाई जाए जब धान पाका है तो सबसे पहले वो किस जीव जंतु के आहार बना दुनिया के जब धान पहली बार फसल तैयार भ जाए पीला पीला भ जाए तो सबसे पहले वो ककर आहार बना है ककर पेटे जाए सबसे पहले मूसा के पेटे जाए। कभी भी ध्यान से देखिए जब धान सबसे पहले पाका है हरा से पीला भ जाए तो सबसे पहले वो मूसा के पेट में जाए। अब एक बात बताओ तोर और जब धान यदि एगो मूसा के अगर परिवार के पेट भरता है तो एकर से बड़ा पुण्य के काम दुनिया में कुछ है कि यानी तोरा मूसा पूरा आशीर्वाद दे लो कि रे चाचा जैसने रही है खुशहाल रही है तो और चलती हमारे घर द्वार के हमारे सब घर गुस्ती पेट भरा लाए यानी बछरी तोरे इसने धान दौरा बेला एगो मूसा ने आशीर्वाद दे लो कखन न जब पहली बार धान पाक के पीला पीला भई के तैयार भ गेलो अब की भेलो तोन जाके जाके काट लेना दादी बलियन के काट के सुताए के ओकरा घर अनक तैयारी कर ली तो 2-4 को बाल लगनी झेर गेलो गिर गेलो। अब बताओ बलियन क्या खेतो जितना चेरे चिमनी आकाश में उड़ो सौफिंग फंट के खेतो खेतो कि नहीं यानी पहले मुसवे खेलो जखन धनवा खड़ा हलो जब उलट गेलो तखन चेरे चिमनी खेलो तो चेरे चिमनी भी तोरा आशीर्वाद दिलो कि चाचा जैसने रहिए खुशहाल रहिए और चलती हमार परिवार के पेट भरा लाए हमें दुआ दे हो तोर परिवार कभी खाली नहीं जीते तो हमेशा भरले भूले रहिए। अब की कर ले काट के ओकरा मथने लाद के खरैया में के टिंगा दे ले खरैया में टिंगा ली ना खरियान में टिंगा ले तो ध्यान दे जैसे खरियाना में धनवा टिंगा ले ओकर आसपास में चींटी
वो भार बना दिलो बताओ हो तोरा दुआ दिलो की चसा जैसने रही है तोर चलती हमार घर गुस्ती के पेट भरा लाए तोर घर कभी खाली नहीं। अब की भले की माड़ा घुरेला माड़ा बोझा है ना तो माड़ा जब घुरेला तो एक दिगे पुआर एक दिगे धान की पुआर हम नहीं खेलिए नहीं खेलिए फिर गड़ू कड़ा के खेलिए बहुत दुआ दिले चाचा जैसने रही है तोर चलती हमार पेट भर है तोर घर परिवार कभी खाली नहीं। अब की करला ढेंकी अभी तो खैर मशीन के गेलो ढेंकी से धान कुटला कुटला ना तो एक दिगे भूसा और एक दिगे चोरा भूसवा हम नहीं खेलिए फिर गोरु कड़ा खेले आशीर्वाद दिले आप चोरवा की हमने डायरेक्ट खाई गई लिखी दादी नहीं ना ओकरा हमने मैया मुसिया ककिया में औधान मरे ले ना चोरी पहुंचर लाए ओकरा पहुंचर लाए सुपवा में लेके तो एक दिगे खुदी चार माच ले एक दिगे ब्याह चार माच ले तो खुदी चार हम नहीं खेले की मुर्गिया चेंगना में खेले मुर्गी चेंगना खेले की ना यानी अब मुर्गी चेंगना भी तोर आशीर्वाद दे के गेलो कि तोर परिवार हमेशा भरले पुरले रहे। अब की भले माड़ भात मड़वा ढार दले तो की मड़वा हमने पी लिए छगरिया पी ले मड़वा क्या पी लाए छगरिया खुदी चरवा क्या खिलाए चेंगने में मुर्गी है मड़वा पिले छगरी है अब बचले भतवा भात तैयार भई गले अब जिसने पर ली हमने खा लिए लेकिन कुछ जूठा भई गले सखरी बच गले ना कुछ अब बताओ ओकरा ककरा गले कुलिया में महाराज के लो हलो बड़ा कुबरा के खेत बताओ के सिस्टम हमने के गो धान जब बैल खड़ा हलाय मुसवा में खेले बलिया गिर गेलै चेरे चिंगी नहीं खेलै खरिहान ले आन लिए चींटी पिपरी खेलै ओकर बाद माड़ा घुरे के तो गाय गोरु खेलै जब ओकरा खुदी चार अलग कर लिए मुर्गी चेंगने में खेलै माड़ अलग कर लिए छगरिये पटरे खेलै और जूठा बचलै बाड़ा कुकरा के दिली बताओ इतना आदमी के हमने धान के एगो अर्जन से इतना आदमी के पेट भरा है बता दुनिया में एकर से बड़ा पुण्य कहीं नसीब होता है तो सह खातिर टुसु परब तो धान के परब लगो यदि आज तो अपन परब में घुमान नहीं करबे आज यदि तो अपन परब में अभिमान नहीं करबे तो आने वाला 20 साल में की कहा तो वो बेटे के लिए बताओ कि ना गोबर से गमक दे हो और जन दिन चासा घर के धिया पुते कहा तो कि गोबर से गमक दे हो सही दिन सृष्टि टाइम पर ले आए तो कहे कि देखी ले आज यहाँ जितना धान है हमें रहे मोतीदार है अजयदार है चाहे मुखिया जी रहे चाहे जितना जहां हमारे बिरजूदार है विजयदार है नरेशदार है संजय रहे चाहे डीएनदार है जितना लोग अच्छा माय मौसी सोभीन कर जिंदगी के उद्देश्य किया है अपन संपत्ति बनाना ना आज मोटा मोटी हिया कोकरो पति कोकरो भाई कोकरो मौसा कोकरो मामा अपन जवानी कहाँ खपाए दे है परदेश में सही बात लगे ना अभी मजदूर फसल है नवाड़ी के बहुत सारा हाल है यानी हमने के भाई बंधु हमने के अभिभावक अपन जिंदगी खपाए दे प्रदेश में कहे संपत्ति अर्जित करे खातिर संपत्ति के जरूरत कोकरा ना है पता हो जे लगे साधु संत सन्यासी पीर फकीर ओकरा संपत्ति की जरूरत ना है लेकिन जे गृहस्थ यानी घर गृहणी वाला जीवन चला है ओकरा संपत्ति के जरूरत है यानी ग्राउंड में जितना जन खड़ा है सब के संपत्ति के जरूरत है और संपत्ति दो प्रकार के भेव है एगो चल संपत्ति एगो अचल संपत्ति। चल संपत्ति माने मोबाइलवा इधर चल तो चलते चलते कहीं चल जे ई सोना इटा लगो चल संपत्ति चलते चलते कहीं चल लितो ई फटफटिया इटा लगो चल संपत्ति चलते चलते कहींओ चल लितो ई पॉकेट में टाका भर लही इहो लगो चल संपत्ति चलते चलते कहींओ चल लितो एक एक को संपत्ति हो जे चलतो ना कहींओ ना जितो तोर जमीन के टुकड़ा लगो अरे हते एह संपत्तिया तोर सबसे मेन संपत्ति लगो पैसवा चोरे चोराए लतो फटफटिया चोरे चोराए लतो खेचवा कर सोनवा चोरे छीन के भाग जेतो मोबाइलिया चोरी कर लेतो लेकिन तोर पप्पा के खेतवा बरिया जहाँ के तहाँ रहतो यह तो तोर सबसे बड़ा संपत्ति तो सही खाती जितना नौजवान है हम वो पीएचडी के पढ़ाई कर रही है लेकिन ताव तोरा बताई रही हो कितनो कमाई ले इंजीनियर डॉक्टर वकील कुछ भी बन जो
अरे बिल गेट्स से अमीर नहीं ना बने पारवा ना बिल गेट्स के नाम सुना ला दुनिया में आगो कठिन इतना टांगा हले ना कि एक ठिन डिंगा दे लगो पहरी भाई से लोकवा में अपन टाका बेच मतलब टाका सिराय के अरे एगो जिला बोकारो जिला से थोड़ा कम उतना जमीन कीने के काम कर रहा है यानी एगो ऐसा इंसान हमने नावाड़ी तो छोड़ दा हमरा पूछा दो तीन को जिला में जितना लोग ठिन टाका है उतना अकेले बिल गेट्स ठिन टाका है लेकिन आज इंसान की कर ले बताओ 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन की ना ले 1000 वर्ग किलोमीटर यानी बोकारो से आधा यानी एगो जिला के बराबर जमीन की ना ले कहे बताओ नौकरो मालूम है कि दुनिया में सारा संपत्ति चोरी भय सकल है बाप के जो जमीन के टुकड़ा है जहाँ के तहाँ रहता है पहला आग्रह करबो क्योंकि हमनी के सबसे ज्यादा नुकसान भेल हमर जमीन के टुकड़ा में आज दामोदर नदी के किनारे किनारे जितना गांव है गिने न पर इतना गांव है आज कोयला के खदान बन लय जमीन हमनी छोड़ के विस्थापित भ गेलिए और राजा कहाँ के आदमी बन लय एगो गया से चल गए आज माननीय मुख्यमंत्री के 5.5 बजे के राजा बन लय सह खातिर देखा एक बात सीधा कहब यहाँ जितना जान आयल है सबके एक एगो इच्छा है कि अपन जीवन में कुछ कमाए के जीवाए ताकि आने वाला पीढ़ी ओकरा जगाए के रखते तो टुसु परब लगो धान के परब और धान कहाँ और जहाँ खेत में यानी अपन खेत आज के बाद से याद रखिया जरूरत पड़ता है अगर गरीब भाई जीभा भूखे भाई जीभा और यदि जरूरत पड़ता है एगो किडनिया भराए के खाना ले लिया जमीन बेच के कुछ नहीं लिया गरीब भाई जीवा ना एगो किडनिया बेच दिया अमीर बने खातिर लेकिन बाप दादा के जमीन के टुकड़ा नहीं बेचिया मैं तो आने वाला दिन झारखंड के आदमी यह झारखंड में भीख मांगे जुकुर भाई जीवा तो है तो लगो टूसु परब यानी धाने परब लगो जैसे मान के चला नावाडीक बाजार में बहुत सारा व्यापारी है व्यापारी के लगे खुशी कब है वह न जब वो बेच है तो किसान के खुशी कब है वह है न जब धान और अरज के अपन घर ढोका है तो है महीना में अगहन महीना के किसान अपन सारा धान अरज के घर ढोका है और वह खुशी में टुसु पर मनवल जा है और अंत में ओकरा विदाई भी दियल जा है अपन बेटी नियर कहे कि कहीं ना कहीं किसान धान के जो परवरिश कर है एक बेटी मान के कर है सही खातिर देखिए हमने बेटी के और धान के लक्खी मानिए अब थोड़ा सा राजनीतिक बात कहिए एक बात क्लियर हो कि आज अभी दीदी सब आयल हलै अपनी होमगार्ड के समस्या सुनैले बहुत सारा गांव कोलफील्ड के समस्या सुने तो बहुत सारा गांव के आदमी